रायपुर शहर के शास्त्री सर्कल स्थित भूमि विकास बैंक में अध्यक्ष पद को लेकर शनिवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पार्टियों के नेताओं को समझा बुझा कर रवाना किया। इस मामले को लेकर जब भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष मथुरेश नागदा से बात की तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को लेकर आज 55 में से 46 प्रतिनिधि भूमि विकास बैंक पहुंचे और चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। वहीं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रेवा शंकर गायरी ने बताया कि पूर्व अध्यक्ष मथुरेश नागदा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनके चैम्बर में घुसे और जबरन कुर्सी पर बैठने का प्रयास करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पास कोर्ट का स्टे है, उसके बावजूद मथुरेश नागदा अध्यक्ष की कुर्सी हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। चैम्बर में 11:15 पे आया था, उसके बाद में मेरे वाइस चेयरमैन साहब किशन लाल जी निमावत भी मेरे साथ में आए थे, ये इनकी सीट पे बैठे थे और मैं मेरी सीट पे मेरे चैम्बर में बैठा था। और अभी सामने वाला जो कर्मचारी चैम्बर है उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशन लाल ने वो मथुरा जी नागदा, दिनेश जी नागदा और एक वो क्या नाम था कमल चौधरी और 15-20 लघुतर से जीते हुए मेंबर भी आए और वो जबरन मेरे चैम्बर में आ रहे थे। मैंने मना किया तो उधर उन्होंने पद ग्रहण करने के लिए कोशिश की और उन्होंने एक दूसरे को फुल वेट किए और जय जयकार बोल रहे थे, कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद। उसके बाद में मेरे इधर आए थे तो फिर मैंने भी मेरे वाइस चेयरमैन साहब को कहा कि आप देख लो ये इधर आ रहे हैं चैम्बर के अंदर और मैं मेरे कार्य में वादन कर रहे थे, हम कोई आपस में बात कर रहे थे। उसके बाद में ये बार बार आते हैं और कहते हैं हम बैठेंगे आपके कुर्सी पे और मेरे को कोर्ट से स्टे मिला हुआ है 15-4 को और मिला है। अधिवक्ता DSG मनीष पटेल ने मेरे पक्ष में पूर्व बोर्ड अभी तक लघुतर ही जीते हैं और डायरेक्टर और चेयरमैन ने बनाया, वहाँ तक पूर्व चेयरमैन और बोर्ड वो ही रहेगा, ये दिया उन्होंने अधिवक्ता ने। लेकिन उनका तो कहना है कि हारे हुए प्रतिनिधि यहाँ बैठ रहा है। नहीं तो उस तक सुना भी नहीं हुए, डायरेक्टर का हुआ नहीं और चेयरमैन का हुआ नहीं, तो अभी तो वार्डपंच ही जीते हैं, चेयरमैन और डायरेक्टर का होगा तब मैं हारा हुआ गिनाऊंगा ना, पहले कैसे गिन सकते हैं, मेरे सुनाव तो हुए ही नहीं भाई। डायरेक्टर का होता है तब चेयरमैन बनता है। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया बावजूद उसके जो चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया जो है उसको पूरा नहीं कराया गया और ऐसे में आपको भी यहाँ बैठने का अधिकार नहीं। नहीं मेरे को बैठने का अधिकार ये है, लघुतर के सुनाव हुए हैं वो लघुतर वो ही रहेंगे, बाकी डायरेक्टर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन पूर्व वाले रहेंगे, वहाँ तक चुनाव प्रक्रिया गई नहीं। चुनाव प्रक्रिया 15 लोगों ने जो फार्म भरे वो निरस्त हो गए, उस पर स्टे लगा हुआ है। मथुरेश नागदा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक उदयपुर, आज हम इसलिए आए हैं कि जो कोर्ट का फैसला आया है हाई कोर्ट का, उसमें हम जो 9 लोग गए थे चुनाव हमारा फार्म खारिज किए थे उसके पक्ष में हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर को जो फैसला दिया है उस फैसले के बाद हमने जो चुनाव प्रतिनिधि हैं 55 लोग हैं उसमें से हम 46 लोग इकट्ठे होकर निर्णय किया है, उस निर्णय की कॉपी आज देने के लिए हम आए हैं कि भाई आप चुनाव कराइए, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है तो चुनाव कराओ, कॉपी देने के लिए आए थे। और इन लोगों ने कहा और उसके पहले अभी 9 तारीख को या बीच में 16 तारीख को पूर्व अध्यक्ष को इन्होंने जो हारा हुआ व्यक्ति है लघुतर चुनाव में, साल भर जो चुनाव पहले हुआ उसमें हार गया उसको भी उन्होंने जब ज्वाइन करा दिया तो हम कलेक्टर साहब के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि मैं इसकी कार्रवाई करा रहा हूँ, तो उन्होंने हम वापस मिले तो उन्होंने ये कहा कि साहब इन्होंने हमने उसमें कहा सेक्रेटरी ने ज्वाइन नहीं कराया, ज्वाइन नहीं कराया तो फिर हमने कहा भाई नहीं कराया तो फिर उस कमरे को जो आप उसमें उनको बंद करो कमरे को, और नहीं करती हो तो कम से कम जो जनप्रतिनिधि है चुनाव में वो आके बैठे हैं, कभी कभी हम वहाँ आज हमने वो चिपकाया स्टिकर चिपकाया कि ये कमरा आगंतुकों के लिए किसानों के लिए और प्रतिनिधियों के लिए रहेगा और हम सेक्रेटरी को हम कहना चाह आए थे कि भाई आप इसको इनको मत बताइए, और कलेक्टर साहब ने कहा कि उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया तो हम इसलिए आए कि भाई कोई है ही नहीं तो हम हमारा ज्ञापन देना है, जो निर्णय किया आम सभा ने उसको निर्णय देना है। की पालना आपके विरोधियों का आरोप है कि आपने जबरन अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठने का नहीं प्रयास नहीं किया नहीं, हम घुसे ही नहीं उसके अंदर, हम कमरे में तो गए ही नहीं, हम तो बाहर आके बैंक जो अधिकारी था अभी उसको हमने ज्ञापन दिया और हम जो वहाँ चेयर थी वहाँ चेयर पर बैठे हैं, उसके अलावा हम चाय पी और निकले, मतलब कुछ नहीं किया।